कांग्रेस बांगर है तैयार है लंकार के बोलो तुम चल जोश दिखाते तू और बजा बजाते तू मैदान सजाते तू ये खेल दीवानों बड़ा इवेंट बड़ा जोशो खरोश मुल्क भर में हर कोई पीएसएल के रंगों में रंग गया शहरियों का शौक और जज्बा आसमान को छूने लगा शायकीन अपनी अपनी पसंदीदा टीम के गुण गाने लगे क्रिकेट मतवालों ने नेशनल स्टेडियम में रंग जमा दिया पाकिस्तानियों को क्रिकेट से मोहब्बत है दुनिया को दिखा दिया शेन वॉटसन के आने से ग्लैडिएटर्स की जीत के इम्कानात बढ़ जाएंगे कोच मोइन खान कहते हैं उमर अकमल बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो कौमी टीम का हिस्सा भी बना ये कोच का काम होता है कि खामी को तलाश करके उसे दूर करे सरफराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रेस्ट कर रहे हैं सरफराज खेले या ना खेले टीम के साथ रहना जरूरी है It's looking positive. Certainly we had the World 11 and we've had the PSL being played here and you know again if every time there's a tour it needs to be reassessed but you know what I've seen here for the PSL is impressive ICC consultant ki national stadium armed security intizamat ka jaiza liya sector commander rangers brigadier shafiq ki briefing par international cricket council ka izhar e itminan federation of international cricketers bhi hifazat e ikdamat se mutmain चीफ एग्जीक्यूटिव टोनी आयरिश पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की मुकम्मल वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद वाहगा बॉर्डर के जरिए भारत रवाना पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बाद सुहेल महमूद को वतन वापस बुलाया गया था भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया भी आज इस्लामाबाद पहुंचे मोदी सरकार की मजबूरी है इलेक्शंस हम नहीं चाहते हम कोई गुंजाइश दे जिसका बहाना बनाकर उन्हें जारियत का मौका मिले हम अमन चाहते हैं लेकिन अगर जारियत की गई तो दिफा की सलाहियत भी रखते हैं और हक भी रखते हैं इलेक्शन तक सख्त लबो लहजा मोदी की मजबूरी है शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मोदी के बयानिए को भारत में भी तस्लीम नहीं किया जा रहा पाकिस्तान अमन चाहता है भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे कश्मीर पर भारतीय पॉलिसी नाकाम हो चुकी कश्मीरियों को हक के खुद अरादियत देना होगा माजी में किसी ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की जरूरत नहीं की नरेंद्र मोदी की जानिब से फौज का सियासत में इस्तेमाल भारतीय बहरिया के साबिक सरबरा एडमिरल एल रामदास बोल पड़े इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया कहा भारतीय अफवाज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए जंगी जनून पर भारतीय सहाफी ने भी अपने वजीर आजम को आईना दिखा दिया शेखर गुप्ता कहते हैं पाकिस्तानी फौज कमजोर नहीं उनसे जीतना आसान नहीं लाहौर में वजीर आजम की जेर सदारत कई अहम इजलास पंजाब के बड़े अस्पतालों में शेल्टर होम्स बनाने की मंजूरी इमरान खान ने सियाहत के फरोग के लिए इकदाम की भी मंजूरी दी वजीर आजम को पंजाब फूड अथॉरिटी के इकदाम और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम पर ब्रीफिंग गवर्नर चौधरी सरवर और वजीर आला उस्मान बुज़दार ने वजीर आजम से मुलाकातें की नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया वजीर आजम की मौवन खुसूसी नईम उल हक कहते हैं साबिक हुकूमतों की लूट मार की तारीख में मिसाल नहीं मिलती शेख रशीद के वजीर इत्तला बनने की खबरों में हकीकत नहीं नैब में बहुत सी कार्रवाइयां कानून के मुताबिक नहीं कानून में बेहतरी लाने की जरूरत है
चौधरी निसार ने चुप का रोजा तोड़ दिया। बचपन के दोस्त इमरान खान पर तनकीद, बोले वजीर आजम कौम को तकसीम न करें, कल की तकरीर से इत्तेहाद का पैगाम नहीं दिया, गुस्सा थूक दें, अपोजिशन को कम और मुल्की मसाइल को ज्यादा निशाने पर रखें, उन्हें मोदी पर गुस्सा नहीं आता, पाकिस्तान को भारत से खैर की तवक्को नहीं होनी चाहिए, हुकूमत बैरूनी दबाव का तासुर दे रही है। नवाज शरीफ के लिए जेल में कार्डियक मोबाइल यूनिट एम्बुलेंस पहुंचा दी गई। डॉक्टर समेत अमला 24 घंटे मुख्तलिफ शिफ्ट में ड्यूटी पर मामूर। इमरजेंसी की सूरत में नवाज शरीफ को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। उधर ख्वाजा आसिफ का कहना है नवाज शरीफ का ख्याल था अस्पताल में इलाज होगा, जो नहीं हुआ, हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है। जिगर के मरज में मुबतला अफराद के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पेवंदकारी का पहला कामयाब ऑपरेशन। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती है जिगर हत्या करने वाला और मरीज दोनों सेहत याब है, मरीजों को अब लाखों खर्च करके बैरून मुल्क नहीं जाना पड़ेगा। कराची के इलाके बोट बेसन में जेरे तामीर इमारत के लिफ्ट गिरने से 6 मजदूर जा बहक, लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। एसएसपी साउथ का कहना है मजदूर तामीराती लिफ्ट के जरिए इमारत में शीशा लगा रहे थे। कमिश्नर इफ्तखार अली कहते हैं बिल्डर से पूछताछ की जाएगी, गफलत सामने आई तो कार्रवाई करें। शोभा टेक सिंह में अफसोसनाक वाकया, जहर खुरानी से माँ और तीन बेटियां जहां बाहर, 50 साल नसीम बीबी, 15 साल रजिया, 10 साल की खदीजा और 8 साल आयशा शामिल। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ के मुताबिक रजिया की गुज़श्ता रोज मंगनी टूटी थी, शुबा है इसने रंजिश पर खाने में जहर मिला। कराची में मारूफ मॉडल रुबाब हानी की पुरस्कार मौत, मामले की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस के मुताबिक रुबाब की मौत अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान हुई, नर्स समेत दो अफराद गिरफ्तार, मरकजी मुलजिम उमर ताहाल फरार। नर्स और साथी ने मरकजी मुलजिम से मिलकर लाश कब्रिस्तान में फेंकी। पिशावर से 4 रोज कबल लापता होने वाली 3 साल बच्ची की लाश मिल गई, लवाहिकीन का चंकनी थाने के सामने एहतजाज, बच्ची अड़मड़ के जंदे कैंप से लापता हुई। हज दरख्वास्त की कुरानदाजी की तारीख एक बार फिर तब्दील, कुरानदाजी 11 की बजाय 12 मार्च को होगी। तारीख बैंकों की दरख्वास्त पर तब्दील की गई, हज दरख्वास्त जमा कराने का आज आखिरी दिन था। शाम 6 बजे तक 2,16,542 दरख्वास्तें मौसूल हुई। सिंध हाईकोर्ट में अली जहांगीर सदीकी के खिलाफ नैब इंक्वायरी का केस दलाल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत का अली जहांगीर सदीकी को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार। जहांगीर सदीकी ने महंगे दामों शेयर्स फरोख्त करके सरकारी इदारों को 40 अरब का नुकसान पहुंचाया। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौकिफ। डॉलर गर्ल आयान अली के लिए नई मुश्किल तैयार, कस्टम अदालत ने मॉडल को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत के मुलजिमा के असासाजात जब्त करने के भी अहकाम जारी। करेंसी स्मगलिंग केस में अदालत ने आइंदा समाज पर तमाम गवाहों को तलब कर लिया। रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद नए मौसम ने भी मरी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। धूप की तपिश से बर्फ पिघलने लगी तो सयाहों ने नए पिकनिक पॉइंट्स ढूंढ लिए।
कोलजना जंगल, जीका गली जंगल, कश्मीर पॉइंट पर शहरियों के डेरे, खूबसूरत स्नोमैन के साथ सेल्फियां, घुड़सवारी के भी मजे।